Hello everyone. So, this is the second video in which we are going to discuss uh, CA Final Financial Reporting new course, MTP December 2021 Series 2. Series 1 MTP still had a lot of new type questions which were not already there in any of the Institute's material. Whereas uh, MTP Series 2 of December 21 only has the first question, Part 1, Part 2.

ऑन फर्स्ट अप्रैल 2001 <coughs> तो इसकी जो इनिशियल चेयर कैपिटल आई है वो पॉइंट में रेस किया पी क्यू आर इंडिया इज अडोटेड इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम इट्स इन इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज मैनेजमेंट ऑफ पी क्यू आर एज कंक्लूडेड फंक्शनल करेंसीज इंडियन रुपीज़ यानी पी क्यू आर अपनी बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन रुपीज़ में बनाएगा बट uh, अगर पेरेंट की फंक्शनल करेंसी या प्रेजेंटेशन करेंसी पॉन्ड तो हो सकता है कि सब्सिडरी को अपने रुपी टू पॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वर्ट करना पड़े पेरेंट के कंसोलिडेशन को सपोर्ट करने के लिए ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिवली सब्सिडी के अब हमें रुपीज टू पॉइंट में कन्वर्ट करना होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कई सारे क्वेश्चन नॉर्मली हमारे जो आते हैं वो आते हैं कि हम फ़ॉरेन करंसी से इंडियन करेंसी में लाते हैं यहाँ पे उल्टा होगा क्यों क्योंकि डिजाइन ऐसा है कि आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फंक्शनल करेंसी से किसी भी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो वेन वी कन्वर्ट एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम फंक्शनल करेंसी विच इज इन केस ऑफ पी क्यू आर इंडिया रुपीज टू एनी अदर करंसी विद इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी to facilitate consolidation of the parent company which is based in london such conversion is done using closing rates except for transaction where we use the average of the spot rates however let's see what the question says so the rule in 21 asset liability closing rate transactions average rate difference will go to fctr foreign currency translation reserve

long term borrowing deferred tax liability income tax payable import duty employee benefits sundry trade payable pp net of depreciation software inventory purchased on 15 march 2002 there is no indicator of impairment sabm nrv pay value karte nevertheless cash and bank trade receivable and bad debts ka Provision. additional information relating to pp and computer software on the date of acquisition is given थर्डियथ अप्रैल फिफ्थ में आई डोंट नो इसका रेलिवेंस है क्या क्योंकि हम क्लोजिंग रेट पर ही कन्वर्ट करते हैं पी क्यू आर एज अडोप्टेड अन अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू शेयर होल्डर फंडस टू ट्रांसलेट इक्विटी तो उन्होंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया आई एम वेरी सरपाइज कि इसको आप अकाउंटिंग पॉलिसी कह सकते हैं बिकॉज इन डेस्ट ट्वेंटी वन स्पेसिफिकली डज नॉट प्रोवाइड्स फॉर हैविंग अ पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू वॉट कन्वर्जन रेट नेवर द लेस सो दे कि शेयर कैपिटल को हम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पे करेंगे प्रीमियम को हिस्टोरिकल पे करेंगे और रिटेन अर्निंग को एवरेज पे करेंगे तो यहां दो पे आपको हिस्टोरिकल लेना है स्पेसिफिक जो क्वेश्चन कहे वैसा ही करना है सिंस प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ पी क्यू आर होल्डिंग इज जीपीपी पी क्यू आर इंडिया इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट इट्स ट्रायल बैलेंस फ्रॉम आई एन आर टू जीपीपी फॉलोइंग टेबल गिव्स यू द रेलवेंट रेट्स एज एन अकाउंटेंट ऑफ पी क्यू आर यू आर रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग फॉर इट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पी क्यू आर के तो ऐसे भी पी क्यू आर इंडिया के तो सेपरेट क्या स्टैंडलोन ही बनने वाले है तो सब्सिडरी एक्सप्लेन दिंसिपल ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम बेस्ड ऑन दिसन आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इन टू मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आटमट्री आइटम्स इन मनी नॉन मॉनिटरी आइटम्स लाइबिलिटीज केस में पेबल इन मनी नॉन मॉनिटरी बेस्ड ऑन दिस ट्रायल बैलेंस में क्या मॉनिटरी और क्या नॉन मॉनिटरी है तो इन दिस केस शेयर कैपिटल वुड बी नॉन मॉनिटरी सिक्योरिटी प्रीमियम नॉन मॉनिटरी रिटेन अर्निंग्स नॉन मॉनिटरी फिक्स्ड अमाउंट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये कोई फिक्स अमाउंट पेबल नहीं है ये सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है ऑल प्रोविजन आर ट्रीटेड एज मॉनिटरी ट्रेड पेबल्स मॉनिटरी पी पी नॉन मॉनिटरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉन मॉनिटरी इट इज़ नॉट रिकवरेबल इन फिक्स डेटमा इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वेंट्री की भी वैल्यू चेंज होती है नॉन मॉनिटरी कैश इन बैंक मॉनिटरी ट्रेड रिसिबल मॉनिटरी प्रोविजन कोई भी असेट पर बनता है तो जो असेट का क्लासीफिकेशन है वही प्रोविजन का हिंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन ट्रेड रिसबल ऑल्सो मॉनिटरी ट्रांसलेट द ट्रायल वैलेंस ऑफ पी क्यू आर इंडिया फ्राम आई एन आर टू जी बी पी आय आर टू जीबीपी में सिंपली क्या करिएगा इनकम एक्सपेंस की जितनी आइटम है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न अर्निंग्स दिया हुआ है तो इनकम एक्सपेंस कुछ नहीं आएगा तो सब पे क्लोजिंग रेट लगा देना एक्सेप्ट एज पर द पॉलिसी कैपिटल प्रीमियम पे कुछ और रिटेन पे ऐसे भी एवरेज लगेगा तो पॉइंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रिटेन अर्निंग को शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हिस्टोरिकल रेट यानी एक अप्रैल पॉइंट जीरो वन टू थ्री और इसके अलावा ये डेट ऑफ एक्विजिशन वगैरह हमारे लिए सब ट्रिन ट्रिन एज एन ना ट्रिंटिन हमारे बच्चे समझते हैं दूसरे बच्चे जो क्लास नहीं लिए यूज़लेस इंफॉर्मेशन है कंफ्यूज करने के लिए बाकी जितनी भी चीज़ें ये सब क्लोजिंग रेट यानी कि पॉइंट ज़ीरो वन ज़ीरो नाइन सेकेंड वर्ड हो जाएंगे और इससे आपका आंसर अच्छा निकल जाएगा तो ये मॉनेटरी मॉनेटरी नॉन डिफाइन किया, सबकी टर्म्स लिख दी और उसके बाद में कन्वर्जन दे दिया आप देखोगे तो सब जगह आपको रेट वन जीरो जीरो नाइन ही यूज किया है एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट ये तीन जगह रिटेनिंग एवरेज और बाकी दो पॉइंट वन टू थ्री दैट्स अबाउट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गिवन द डिक्रीज रेवेन्यू इन टू थाउजेंड वन टू मैनेजमेंट स्कीम टू आइडेंटिफाई टू प्रॉफिट एंड लॉस द ऑन प्रॉफिटेंट सजेस्टेड दे कु्रिसिएशन फ्रॉम एस एल एम टू आर्स इन यूज बट नॉट एन टोर इफ इज पॉमिटेड किसी ने बोला है आप यूज बेस्ड्री लगा दो इंडे 16 में नो प्रॉब्लम होता है

Annual depreciation charge for one two would be twenty five lakh using SLM and seven using new method. Difference is significant for PQR financial statement. What are the considerations in determining whether a change in debt methodology is appropriate and how should this change be accounted for? The consideration is if this represents better method for booking debt expense in proportion to the consumption of future economic benefits from the asset, then you can change. Change be accounted for prospectively. So for the year depreciation charge accordingly would be 7 lakh instead of 25 lakh, no difference required for the previous year. Since the amount is significant, the disclosure would also be required. <clears throat> Given the risk of charging lower debt per annum and possibility, asset would be depreciated over longer period than otherwise under SLM. What safeguard would you just in order to ensure compliance? तो सेफ हम सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको रिस्क है कि डबरी कम लगाओगे इसका मतलब असेट का कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा ना हो जाए इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप इम्पेयरमेंट चेक कर सकते हैं एज एन सेफ टू बी दैट्स अबाउट इट चलिए ये स्टडी मटेरियल का एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है आई डोंट थिंक नन ऑफ द अदर a इवन नीड बिकॉज दे आर ऑल I'll आई जस्ट टेक minutes मिनट्स एंड क्विकली टेल यू इन टर्म्स ऑफ has happened इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस इज वन ऑफ the इंपॉर्टेंट questions. इन फैक्ट इसमें बताया गया है कि आपने एक लैंड खरीदा उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया और उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट लिए और डेप्रिसिएशन लगाना है। <coughs> सबसे पहली बात लैंड के ऊपर बोरिंग कास्ट कैपिटलाइज नहीं एसेट नहीं ऑलरेडी रेडी टू यूज जो खर्चे आपने कैपिटल असेट को बनाने के लिए किए हैं उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी इस क्वेश्चन में सब्सटैशियल पीरियड ऑफ टाइम 12 महीने से कम है पर हो सकती है एंड 23 में 6 सात महीने भी सब्सटैशियल पीरियड हो सकता है तो क्वालिफाइंग असेट माना गया है इस क्वेश्चन में तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की गई है आपका लैंड आपने एक अप्रैल को खरीदा दस मिलियन जोड़ दिया जाएगा इसमें लीगल कॉस्ट शामिल है कोई प्रॉब्लम नहीं है चलेगा एक मई से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है तो खर्चे एक मई से ही कैपिटलाइज होना शुरू होंगे लेवलिंग ऑफ द लैंड के खर्चे हम बिल्डिंग के खर्चे मानेंगे ना कि लैंड के खर्चे बिकॉज लैंड रेडी फॉर यूज था बिल्डिंग के लिए हमने ये लेवलिंग खुदाई वगैरह की ऐसा माना गया है इस क्वेश्चन में कहीं पर लैक्स रुपीज में दिया हुआ है कहीं पर राउंड ऑफ किया गया है तो ध्यान रखना गड़बड़ ना हो जाए इसलिए बेहतर है कि आप इस क्वेश्चन को चाहो तो पूरा रुपीज़ में बिना राउंडिंग ऑफ के सॉल्व कर दीजिएगा परचेज ऑफ मटेरियल पूरा ऐड कर दीजिए एम्प्लॉय कॉस्ट टू लाख पर मंथ है तो ये मे से है, जब तक काम चलाए तब तक की ऐड होगी ओवरहेड कॉस्ट इनकर डायरेक्टली ऑन कंस्ट्रक्शन ये भी ऐड की जाएगी नो प्रॉब्लम पर मंथ है तो ये भी मे टू ऑन गोइंग ओवर हेड कॉस्ट यानी ये जनरल ओवरहेड्स लग रहे हैं अलोकेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस यूजिंग कंपनीज नॉर्मल ओवर हेड अलोकेशन मॉडल ये नहीं होगा क्यों क्योंकि ये जनरल ओवर हिट से या ऑन गोइंगे कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो भी ये खर्चा लगता है इसके लिए डायरेक्टली एक्ट्रीब्यूटेबल नहीं माना जाएगा इसलिए एलोकेट नहीं होगा इनकम रिसीव फ्रॉम टेम्परे यूज ऑफ फैक्ट्री फैक्ट्रीज कार पार्क ये PRL में क्रेडिट होगा कॉस्ट से नहीं होगा बिकॉज रिलोकेटिंग एम्प्लॉय टू वर्क एट न्यू फैक्ट्री ये भी एड नहीं होगा बिकॉज दिस इज फॉर कंटिन्यूइंग योर कंटिन्यूंगशन एंड नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री ओपनिंग सेरेमनी की कॉस्ट स्पेसिफिकली इनग्रेशन एक्सपेंस एड नहीं होते 16 है

थर्टी परसेंट रूफ की बची हुई अदर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग की मान लेंगे वो थर्टी परसेंट ट्वेंटी ईयर में बाकी फोर्टी ईयर्स में फॉर फोर साल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा फोर्टी ईयर एंड लिमिटेड एज इन्फोर्सियबल ऑब्लिगेशन टू डिमोलिश फैक्ट्री एंड रिस्टोर द साइट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन तो देर इज अ प्रोविजन फॉर डी एस आर टू बी मेड ट्वेंटी मिलियन फोर्टी ईयर्स टाइम डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके कॉस्ट में जोड़ना उसके बाद थर्टी परसेंट रूफ का और सेवेंटी परसेंट बिल्डिंग का अलग निकालना

ये जो असेट कंप्लीट हुआ है ये अपने आप में सबस्टांशल पीरियड है ऐसा क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया है पहले नहीं दिया था ऐसा अपन ने करेक्ट कराया स्टडी मटेरियल में और ये सब उन्होंने ठीक भी कर दिया इसमें एक चीज़ और उनको करेक्ट करने को कही थी पर वो क्लैरिफिकेशन डाला नहीं है इन्होंने बोला है कि लिमिटेड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ वन लाख ऑन टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड्स तो नॉर्मली बोरिंग कॉस्ट का रूल होता है इंडेज ट्वेंटी थ्री का कि स्पेसिफिक बोरिंग अगर टेम्परली कहीं इन्वेस्ट होती है तो उसकी इंटरेस्ट इनकम बोरिंग कॉस्ट से कम कर दी जाती है बट ये स्पेसिफिकली नहीं बताया कि एक लाख की जो इनकम है ये एक्सेस फंड्स आपके किस समय के थे तो अप्रैल में भी आपके पास एक्सेस फंडस रहे होंगे अगर ये उस पीरियड की है तो फिर ये डेफिनेटली उस पीरियड की इंटरेस्ट कॉस्ट से कम होना चाहिए पर यहाँ पे इन्होंने ये माना है कि एक लाख सात महीने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो पूरा एक लाख कॉस्ट से रिड्यूस किया है आप भी वैसा ही करिएगा एग्जाम में दैट्स अबाउट री गुड क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिजल गो क्या होता है अगर आप कोई एक ग्रुप ऑफ सेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते हो तो उसमें सबसे पहले जिस दिन आपकी कंडीशन सेल की सेटिस्फाई होती है दैट मीन्स uh, कमी ने डिसाइड कर लिया है कि अब उसके कैश फ्लोज वो बेच के कमाएगा ना कि यूज़ करके

उसके बाद से इस डिस्पोजल ग्रुप का कैरिंग अमाउंट और इसकी नेट फेयर वैल्यू लेस पे ये कैरी होगा इस पूरे डिस्कशन में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अप्रूवल आपको लेना है जो कि कस्टमरी नहीं है मिलना सिग्निफिकेंट है तो जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा इंडफोर सेल क्लासीफाई नहीं होगा यानी तब तक डिप्रिशिएट होती रहेंगी डिस्पोजल ग्रुप्स की पीपी इन टेबल लेकिन अगर वो कस्टमर ही आमतौर पे मिल जाता है तो फिर उस केस में आप उसे पहले भी हेल्प फॉर सेल क्लासीफाई कर सकते हो प्रोवाइडेड उम्मीद है बारह महीने में मिल जाएगा और माल बिक जाएगा असेट बिक जाएगा बस इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है कि आपने डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू सेल ऑफ वन ऑफ माई सेट ऑफ असेट से केफे कॉफी डे ने एक अपना कॉफी शॉप बेचने का सोचा है तो कॉफी शॉप पूरा सेल करेंगे तो उसके अंदर उसका जो फ्लोर बिल्डिंग शॉप है वो भी बिकेगी उसका फर्नीचर भी बिकेगा इक्विपमेंट्स भी बिकेंगे साथ ही साथ में हो सकता है कि वो कॉफी शॉप जिसे बेचा जा रहा है वो उसे एज अ रनिंग आइटम ले तो हो सकता है वहां का कोई प्रीपेड रेंट या इस तरह के कोई नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्वॉल्व एज इन डेटर क्रेडिटर्स एंड ऑल ऐसे केस में डिस्पोजल ग्रुप का टोटल कैरिंग अमाउंट निकालते समय सारी की सारी एसेट्स जो 105 जीरो फाइव में कवर हो रही है या नहीं हो रही है सारी लाइबिलिटी जो 105 जीरो फाइव में कवर हो रही है या नहीं पर वो डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट है सबको काउंट किया जाता है

उन सब का टोटल कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट और इम्पेयरमेंट लॉस निकालोगे जो डिफरेंस है उसे इम्पेयरमेंट लॉस माना जाएगा उसे बस अलोकेट आप सिर्फ उन असेट्स में करोगे जो 105 में कवर तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जून 2002 को हमने इस प्लान किया है कि हम सेल करेंगे डिस्पोजल ग्र क्लासीफाई किया है थर्टी फर्स्ट जुलाई को हम कमिट हो गए और एक परचेज अग्रीमेंट भी हो गया हावेवर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है अप्रूवल जरूरी है पर अप्रूवल कस्टमरी और हाईली प्रोबेबल है थर्टी नवंबर को मिल जाएगा और सेल इकत्तीस मार्च तक हो जाएगी इस केस में थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई इज द डेट व्हेन इट इज हेल्ड टू बी और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हेल्ड फॉर सेल बिकॉज यू हैव गॉट ऑल द अप्रूवल्स एंड दिस अप्रूवल इज रियली वेट फॉर इट थर्टी फर्स्ट जुलाई को आप सबसे पहले थर्टी फर्स्ट जुलाई तक डेप्रिशिएट वगैरह करके नॉर्मल के अनुसार अकाउंटिंग करके डिस्पोजल ग्रुप की सारी एसेट्स को वैल्यू कर लीजिए ये कैरिंग वैल्यू दी हुई है क्योंकि सेल कंप्लीट होने वाली है इकतीस मार्च दो हज़ार तीन ऐसी उम्मीद है विद इन ट्वेल्व मंथ्स वाली कंडीशन भी सैटिसफाई हो गई अब आप देखिए इसमें गुडविल प्लांट एंड मशीन बिल्डिंग ये सब तो वन जीरो फ़ाइव में कवर होती है बट ये एसेट्स वन जीरो फाइव में स्पेसिफिकली इंडिविजुअली कवर नहीं होती पर डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट हो सकती है तो आप कहेंगे फिफ्टी टू हंड्रेड क्या अमाउंट है और फेयर वैल्यू थर्टी फर्स्ट डिसमेंबर कोई मतलब नहीं है जुलाई थर्टी सेवन हंड्रेड है तो मुझे इससे मतलब है तो मैं कहूंगा इसे इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं पंद्रह सौ का लॉस एलोकेशन के प्रिंसिपल इंडेज थर्टी सिक्स के लगेंगे तो सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ होगी हजार और बाकी सिर्फ इन दोनों में अलोकेट होगा पांच सौ इन रेशियो ऑफ एटीन हंड्रेड एंड थर्टी सेवन हंड्रेड तो वन सिक्सटी फोर लेट्स एर थ्री थर्टी सिक्स ईयर इतना लॉस एलोकेट हो जाएगा टोटल पंद्रह सौ का लॉस एलोकेट हो गया और अब ये असेट थर्टी सेवन हंड्रेड पर आ जाएगा आगे कहा गया है कॉस्ट टू सेल टू हंड्रेड लैक ऑन बोधीज डेट जल्दबाजी नहीं करना चाहिए तो ये जो हमको दिया गया था ये फेयर वैल्यू थी हमें नेट फेयर वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हमें फिफ्टीन हंड्रेड लेना पड़ेगा सॉरी टू हंड्रेड ऑन लेस करेंगे तो थर्टी फाइव हंड्रेड हो जाएगा तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस जो होगा वो यहाँ पे सेवनटीन हंड्रेड का आएगा तो गुडविल से हमारा कितना हो गया अलोकेट थाउजेंड तो बाकी सेवन हंड्रेड उस रेशियो में ललोकेट हो जाएगा इन दोनों में आगे डिस्पोजल ग्रुप इज नॉट सोल्ड ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर लेट ए रिपोर्टिंग डेट थर्टी फर्स्ट डिसंबर है फेयर वैल्यू ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर इज़ लोअर देन केयरिंग वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ग्रुप ऑन दैट डेट तो इसका मतलब कोई इंपेयरमेंट लॉस जो बुक किया था वो रिवर्स नहीं करना है हो सकता है और लॉस बुक करना पड़े पर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं कर पाएंगे क्या मैनुफैक्चरिंग यूनिट को हेल्प फॉर सेल क्लासीफाई कर सकते हैं और उसके रीज़न येस थर्टी फर्स्ट जुलाई और आपको बताना पड़ेगा कि सारी कंडीशन मीट हो गई है मेजरमेंट मैनुफैक्चरिंग यूनिट ऑन डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल थर्टी फाइव हंड्रेड पर होगा और इम्पेयरमेंट लॉस सत्रह सौ का कैसे बुक होगा अब यू जिस डिस्कस दैट ईयर एंड तो हम बोलेंगे कि कोई रिकवरी ऑफ लॉस नहीं होगी एडिशनल लॉस हो सकता है बुक करना पड़े चले नेक्स्ट आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दीपक स्टार्टेड न्यू कंपनी सॉफ्ट भारती दिस इज रिलेटिंग टू इंडेस वन और शेड्यूल वन कह लो ए सॉरी शेड्यूल थ्री कह लो ये क्वेश्चन एम में भी आ चुका है आर में भी आ चुका है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट पेपर में भी आ चुका है कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ ये क्वेश्चन आने से बाकी रहा बस तो एग्जाम में ना आ जाए सर तो बिल्कुल आ सकता है क्या बात है इसमें बट एनी विज दिस क्वेश्चन इज बीन आज एवरीवेयर आई डोंट थिंक दिस मैट्स एनी काइंड ऑफ अ डिस्कशन वेरी वेरी काइंड ऑफ रिपीटेटिव सॉफ्ट भारती के नाम से बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसमें आपको फाइनल अकाउंट्स टाइप के आप जो क्वेश्चन करते थे वैसे कई सारे एडजस्टमेंट्स दिए उन सबका इफेक्ट देकर आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा

खास फर्क नहीं पड़ता है आप सिंपल देखो कि जिस दिन आपने कंपनी को एक्वायर किया था फर्स्ट अक्टूबर उस दिन उसकी एक्चुअल नेट एसेट्स क्या थी इग्नोरिंग डिविडेंट ये सोच के आप उसकी गुडविल निकाल देना और उसके अलावा फिर उसके पहले के कोई प्रॉफिट्स अगर आपके बाद में डिस्ट्रीब्यूट हुए यानी फिर एक्विजिशन प्रॉफिट से पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उस पर्टिकुलर केस में गुडविल पे कोई इंपैक्ट मत देना बट उतने से आपने जो डेट ऑफ एक्विजिशन की एनसीआई निकाली थी अगर नेट आइडेंटिफाई बिल्सट या फेयर वैल्यू जो भी बेस पे निकाली थी वो कम कर देना और जो आपके प्रॉफिट्स में उसके प्रॉफिट शामिल होंगे क्योंकि इंडेस ट्वेंटी सेवन कहता है कि कोई भी सब्सिडी से डिविडेंड मिला है प्री या पोस्ट एक्सिशन प्रॉफिट से पी में जाएगा तो प्री वाला कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम स्टेप थ्री कहते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस उससे कम करना होता है तो एक वो डिविडेंड का ही मेजर एडजस्टमेंट है प्लस फेयर वैल्यू प्लांट एंड मशीन चार लाख दी हुई है डेपरी टेन परसेंट है तो ऐसे में क्या करते हैं प्लांट एंड मशीन दो लाख सत्तर हज़ार आ जाए तो साल के शुरू में कितनी रही होगी टेन परसेंट डिप्रिसिएशन है तो थ्री लाख मिड ऑफ द ईयर कितनी रही होगी 285 285 को कितने पे मेजर करना है फोर लाख तो वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड का फेयर वैल्यू है एंड अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन आपने रिमेनिंग पीरियड में फिफ्टीन थाउजेंड लगाया है पर यहाँ पे आप कितना लगना चाहिए ट्वेंटी थाउजेंड तो पाँच हज़ार का एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा कैसे टेन परसेंट चालीस हजार महीने का बीस ऐसा इसके अलावा कहा गया है फॉलोइंग आर द इंक्रीज इन कम्पेरिजन ऑफ फेयर वैल्यू विद रिस्पेक्टिव इन तो इसके कारण वापस से आपकी नेट आइडेंटिफाइबल सेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन अकॉर्डिंगली चेंज होगी इसमें ट्रेड पेबल्स इन्वेंट्री दोनों में स्पेसिफिकली कहा ये ईयर एंड पे भी रही है तो ईयर एंड की भी इन्वेंट्री इसकी ऐड हो जाएगी इससे ये एडजस्टमेंट सिंपल हो गया अगर ये हट गई होती तो थोड़ा पेचीदा होता लैंड और बिल्डिंग में भी इंक्रीज होगा पर उस पर कोई डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है तो उसका कोई डेपरी इफेक्ट नहीं आएगा मैंने एक बार आपको क्लियर डिस्कस करके बता दिया चलिए इंडेस uh, 41 फोर्टी वन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इसमें अक्सर स्टूडेंट छोटी सी कोई गलती करते थे इसलिए ध्यान से ये वाला क्वेश्चन कर लेना इसमें पहले इंस्टीट्यूट पूछता था ऐसे कई सारे क्वेश्चन एस में भी हैं पर इसको टेक्निकली उनका क्वेश्चन कंप्लीट होता था तो हमने इसको पिछले आर में पूछा गया था तो कह के फिर करेक्ट कराया और इंस्टीट्यूट ने कर भी दिया थैंकफुली ये करेक्टेड क्वेश्चन ही पूछा उन्होंने क्वेश्चन में बोला है परचेज आपने वैटल करी है एक लाख रुपए में और उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अलग से एक हज़ार और पे करी है तो आपकी कॉस्ट एक लाख एक हज़ार हो गई फिर आगे बोला है कि इसके अलावा आपको बेचने के लिए भी एक हज़ार की कॉस्ट लगेगी साथ ही साथ में दो परसेंट ऑफ सेल प्राइस आपकी ऑक्शनियर फीस है ये लाइन हमने ऐड कराई थी ऑक्शनियर चार्जेस टू ऑफ़ सेलिंग प्राइस फ्रॉम बोथ बायर एज वेल एज सेलर तो ये अज्यूम करते हैं कि खरीदते समय भी देना है बेचते समय भी देना है तो इसके लिए ये लाइन थी नहीं पहले तो नॉर्मली ये लाइन नहीं है तो हम सेलर से ये चार्ज लेंगे एनी anyway, विचवेज तो अभी ऐड हो गई है तो अब आपने खरीदा कितने में तो मेरी परचेज कॉस्ट इसकी है वन लाख थ्री थाउजेंड दो हजार ब्रोकरेज और एक हजार मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर इसको इनिशियल रिकोगनीशन ही फेयर वैल्यू पे होता है तो आज ये एक लाख की फेयर वैल्यू है बेचूंगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हजार की लगेगी और बेचूंगा तो वापस से दो हज़ार के मेरे ऑक्शनियर फीस लगेंगे यानी नाइनटी सेवन थाउजेंड इसकी नेटफेयर वैल्यू है तो इनिशियल रेकोगशन पे ही आपको पी ओर एल में छः हजार रुपये का लॉस डेबिट करना पड़ता है ये स्पेशल फीचर है आपका इंडिया फोर्टी वन का ऐसा करना पड़ता है इंडिया फोर्टी वन में तो आपकी इनिशियल डेट पे एंट्री होगी आपकी बायोलॉजिकल सेट नाइन्टी सेवन पर बुक होगी टू कैश वन लाख थ्री थाउजेंड होगा सिक्स थाउजेंड पी ऑर एल में डेबिट हो जाएगा तो इनिशियल रेकोगिशन ये हो गया फिर ईयर एंड पे क्या होगा तो एक लाख दस हज़ार इसकी सेलिंग प्राइस है तो इसमें आपको कितना पैसा लगेगा तो टेक्निकली स्पीकिंग वन लाख टेन थाउजेंड माइनस टू परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस है तो ट्वेंटी टू हंड्रेड इस पर लगना चाहिए और एक हजार ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट तो ये किस वैल्यू पे आ जाएगा वन लाख सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एफ आई एम राइट और हम कितने पे लेके आए उसको नाइन्टी सेवन थाउजेंड पर है तो ये जो डिफरेंस है ये हमें नौ हज़ार आठ सौ जो भी है इतने का हमें क्या करना पड़ेगा गेंद बुक करना पड़ेगा चलिए तो आई होप दे हैव काइंड ऑफ करेक्टेड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्टेड एस इन पहले क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ठीक है पहले उन्होंने 2000 माइनस कर दी थी इसमें हमने बोला भाई दो परसेंट सेलिंग प्राइस का है तो 2200 होगा तो वन लाख सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड पे आ जाएगा ये ठीक है तो अकॉर्डिंगली जो भी डिफरेंस हो गेन बुक हो जाएगा अगला भी रिपीट क्वेश्चन है रिलेटेड पार्टी इन 24 ट्वेंटी फोर इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा अगर आप उससे ही पढ़े हुए हो क्लासेस ली हुई है तो आपको मालूम है नहीं है तो फिर आई टेल यू अर ट्रिक विच हेल्प यू टू काइंड ऑफ सॉल्व सच क्वेश्चन एक साज हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट इन ई लिमिटेड इज ऑल्सो पर्सन ऑफ सी लिमिटेड B Limited Limited. has 100 investment in C C are required to examine related party relationship from perspective of C and A. दो कंपनी को आपस में थर्ड पार्टी के थर्ड पार्टी के थ्रू रिलेटेड तब माना जाता है जब उस थर्ड पार्टी का एक पर कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल और दूसरे leg वो के एम KMP या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल कुछ भी रखें क्योंकि यहां पे एक लेग पर कंट्रोल है तो दूसरे पे के होने से भी ये दोनों पार्टी रिलेटेड हो जाएंगी ये रूल कब लगता है जब कभी भी क्वेश्चन आए दो पार्टी आपस में रिलेटेड है क्या और उन दोनों के बीच में कोई एक व्यक्ति या एंटिटी कॉमन है तो आप सिंपल ऐसा ट्रायंगल बनाना और देखना एक जगह क्या कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल है तो दूसरी जगह कंट्रोल ज्वाइंट कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या के कुछ भी हुआ तो माना जाएगा कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है तो हम बोलेंगे कि क्या ये रिलेटेड पार्टी है ये आगे बोलते हैं आपको यही डिस्कशन करना है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ सी फॉर ए इज के एम पी ऑफ बी एंड नॉट सी तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाए और अब के एम पी एक्स किसका हो जाए बी का तो पेरेंट का के एम पी अगर है तो उसको सब्सिडरी के लिए रिलेटेड पार्टी माना जाता है तो इट इज स्टिल द आंसर वुड रिमेन द सेम इट इज एज गुड एज के एम पी ऑफ सी लिमिटेड क्या आउटकम डिफरेंट होगा अगर एक्स का जॉइंट कंट्रोल होता ओवर ए लिमिटेड तो ये हंड्रेड परसेंट हो या जॉइंट कंट्रोल हो आंसर वुड स्टिल रिमेन द सेम क्या डिफरेंट होता अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता देन दे आर नॉट रिलेटेड क्यों क्योंकि दोनों लेग में किसी भी एक लेग पे कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल नहीं है एक्स का सी के ऊपर के एम पी रिलेशनशिप है और ए के ऊपर भी अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही है तो फिर दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है ये सिंपल लॉजिक से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते चलिए दिस इज रिलेटिंग टू इंडियाज वन ऑन फाइव कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टाइप का क्वेश्चन है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते थे उस तरह का ध्यान करना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलती मत कर देना अनजाने में हो सकता है कि स्टूडेंट से कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी गलती हो जाए सो प्लीज हैंडल दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली नॉट दैट इट इज क्वेश्चन यू माइट ऑलरेडी द लेस स्टिल आई सजेस्ट कि आप इसको ध्यान से करिएगा निवान लिमिटेड कम्युनिस्ट

ड कॉस्ट अपन लाख एंडीव पेमेंट अप टू 13 लाख सबसे पहली बात यहाँ रेवेन्यू कैसे बुक होगा तो एक तरीका रेवेन्यू बुक करने का कि अगर आप किसी सर्वेयर से सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि कितना काम कंप्लीट हुआ है तो शायद आप यही मेथड फॉलो करते होंगे। तो हम लिखेंगे कि रेवेन्यू बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड वुड बी फोर्टी का थर्टी परसेंट वुड बी जस्ट 12 अब अगर आप ट्वेल्थ का रेवेन्यू बुक करोगे तो कॉस्ट कितनी बुक करोगे सोलह जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लॉस तो नहीं है प्रॉफिट है इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी कॉस्ट है जो लगी है पर उसका वर्क सर्टिफाई नहीं हुआ है तो इसके लिए आप कॉस्ट उतनी ही बुक करना मैचिंग प्रिंसिपल लगा के जितने का वर्क सर्टिफाई हुआ है तो आप कितनी कॉस्ट बुक करोगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट थर्टी फोर है उसका सिर्फ थर्टी परसेंट आप कॉस्ट एक्सपेंस बुक करो ये पी ऑर एल में क्रेडिट होगा ये भी पी ओर एल में जाएगा एंड दिस विल बी हाउ मच टेन पॉइंट टू तो आपका वन पॉइंट एट का प्रॉफिट इस पर आएगा तो सर जो मैंने एक्सेस कॉस्ट इनकर करी है उसका क्या होगा गुड तो आपने कॉस्ट टोटल करी करिए सोलह जबकि खर्चा बुक किया आपने टेन पॉइंट टू तो जो बचा हुआ है उसे हम क्या दिखाएंगे वी विल शो इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर में ये हमारा असेट दिखेगा कितने का सोलह की कॉस्ट है टेन पॉइंट एट सॉरी टेन पॉइंट टू का खर्चा है 5.80 का ये कॉन्ट्रैक्ट असेट दिखेगा पर एक चीज और है कैश 13 मिली है तो अब आप देखो आपका रेवेन्यू कितना है 12 और कैश कितनी मिली है 13 यानी एक ज्यादा मिल गई है तो आपको एडवांस दिखाना पड़ेगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी होगी सब करंट में आएगी पर फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि आपको पैसे नहीं देने लाख तो इफेक्टिवली आपकी साइड में कितना असेट दिख रहा है फाइव पॉइंट एट और लाइबिलिटी एक नेट फोर पॉइंट एट लॉजिकल है क्या फोर पॉइंट एट का असेट दिखाना तो सही महीने में ऐसे देखा जाए तो आपने रेवेन्यू कितना बुक किया है समझिएगा आप बात को टेक्निकली आपका रेवेन्यू है बारह का या यू कह लो प्रॉफिट वन पॉइंट एट का है और आपने कॉस्ट सोलह इंकर करिए तो टोटल सत्रह पॉइंट आठ आपको मिलना था तेरह मिल गया तो फोर पॉइंट एट का साड आना चाहिए रिकनसिलेशन करना क्वेश्चन में ये जैसा इसके लिए किया है सेम ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा यू लैव टू ऑन द सेम बेसिस डू फॉर बी एंड कंपनी ऑल्सो और आपको दोनों का टोटल बैलेंस शीट में दिखाना है बैलेंस शीट में दोनों अलग अलग मत दिखाना है इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए डिस्कस विद रीजन वेदर दीज इवेंट्स आर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इन दिस टेन आजकल इंस्टीट्यूट के आर टी में काफी देखने को मिल रहा है पच्चीस अप्रैल को आर्बिट्रेशन अवार्ड एक करोड़ का मिला है जस्ट क्विकली टेल क्योंकि पहले से प्रोसीडिंग लगी हुई थी और अवार्ड बाद में आया और अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसके भी बाद हुआ है तो इसके लिए इसे एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे मोबाइल फोन का मेरा बिजनेस है हजार मोबाइल फोन पांच हजार के पंद्रह मार्च को खरीदे थे तब नया वर्जन आने की उम्मीद थी पर आया नहीं था बाद में नया वर्जन आया तो मेरे पुराने मोबाइल फोन चार हजार में ही बिके आठ अप्रैल को आया नया वर्जन तो क्या मैं चार हजार पे रिकॉर्ड करूंगा द आंसर इज इंडिया इस टू में नेट नैट्रियलाइजेबल वैल्यू मीनस दी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जितने पे लग रहा है आपको बिकेगा तो बिकने की उम्मीद आपको देखने के लिए हमेशा एडजस्टिंग इवेंट देख बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले की इवेंट देखना पड़ेंगे तो अगर आपकी कोई इन्वेंट्री इकतीस मार्च पे आपके पास थी और आपको लग रहा है कि वो आज नहीं आगे बिकेगी और नया प्रोडक्ट आने वाला है जिससे कम पे बिक सकती है तो आपको सोचना पड़ेगा कितने कम पे बिकेगी और अगर कोई इवेंट आपको अगले महीने की मिलती है जिससे मालूम पड़ता है कितने कम पे बिक रही है तो वो कंसिडर करेंगे तो ये एडजस्टिंग इवेंट है तो फोर पर वैल्यू करेंगे दिस इज ऑल्सो एन एडजस्टिंग इवेंट डेटा से पुराना ड्यू था पंद्रह लाख का इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले ही हो गई थी और पंद्रह अप्रैल को इंसॉल्वेंट हो गया एडजस्टिंग इवेंट है पूरा बैड डेट का प्रोविजन आप थर्टी फर्स्ट मार्च पे बुक कर दो यू में कुछ भी रिकवरेबल नहीं है और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑपरेशन अगर ये बैलेंस शीट डेट के बाद होती है तो फिर ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानी जाती है लेकिन इसका डिस्क्लोजर नोट्स में दिया जाता है एज पर इंडिया टेन बट इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्योंकि इंडिया थर्टी सेवन के अनुसार रीस्ट्रक्चरिंग की इवेंट में कमिटमेंट बैलेंस शीट डेट के बाद अगर आया है तो फिर उसे नेक्स्ट ईयर की री मानेंगे इस साल कमिटमेंट नहीं आया तो उसके प्रोविजन इस साल नहीं बनाएंगे तो इसका एडिशनल रेफरेंस आया चले <coughs> ये आपका इंडेस वन जीरो नाइन का फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग का क्वेश्चन है दिखने में थोड़ा सा नया टाइप का कंफ्यूजिंग खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है बट ऐसा कुछ भी नहीं फॉर यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चले सीधा क्वेश्चन फर्स्ट उज वन गिव गोन ऑफ सब्सिडरी मून लिमिटेड विध बैंक नहीं दिया है मैं पेरेंट की बात कर रहा हूँ सब्सिडरी ने बैंक से लोन लिया जिसके लिए पेरेंट ने गारंटी दी है तो इट्सियल गारंटी कवर्ड अंडर वन जीरो हवेवर कोई आप बैंक के पास अगर जाते हो और बैंक को बोलते हो कि यार बैंक सुनो मुझे वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है कम रेट पे मिल रहा है पर बदले में वर्ल्ड बैंक बोल रही है कि आप इंडिया की कोई लोकल बैंक से गारंटी दिलवाओ तो ही हम आपको लोन देंगे और हम आपके साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं अस तो वी वॉन्ट गारंटी फॉर यू तो स्टेट बैंक को मैं ऐसा बोलूंगा तो बोले कि यार मुझसे ही लोन ले लो मैंने लाया तुम्हारा ब्याज की दर बहुत ज़्यादा है तो स्टेट बैंक बोले कि यार मैं क्यों वो मैंने ला यार हमारे इतने सारे दूसरे लोन है बिजनेस कर रहे हैं और ये तो एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लोन मिल रहा है स्टेट बैंक बोलेगी फिर गारंटी हमने बोला यार देखो यार बैंक है आप तो आपकी जिम्मेदारी है आप ऐसे सर्विस तो दो नॉर्मली क्या करेगी स्टेट बैंक बोलेगी चलो अगर स्टेट बैंक को लगता है क्रेडिट बर देने से सिक्योरिटी पर्याप्त है तो स्टेट बैंक बोलेगी चलो ठीक है वर्ल्ड बैंक से आप लोन ले लो हम गारंटी दे देंगे आपके बिहाफ पे वर्ल्ड बैंक को

तो अगर आप गारंटी तीन साल के लिए दे रहे हो तो देर वुड बी अ पर एनम रेट ऑफ अ कमीशन कमीशन दे वुड चार्ज नॉर्मली ये रिकवर कर लिया जाता है होल्डिंग ने अगर दिया है तो हो सकता है कि कोई कमीशन उसने चार्ज नहीं किया हो तो अब अपने को ये देखना है कि अगर होल्डिंग ने सब्सिडी के फेवर में किसी को गारंटी दी और कमीशन चार्ज नहीं किया है क्योंकि ये फाइनेंशियल गारंटी है तो इसे फेयर वैल्यू पे तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो इसकी फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगी किसी तरह से हालांकि इंडेस वन जीरो नाइन कहता है फाइनेशियल गारंटी को हम ईयर एंड पे किस पे मेजर करेंगे एट फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेशियल गारंटी और द अनअमोटाइज रेवेन्यू अमाउंट अनोटाइज रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि ये फाइनेंशियल गारंटी अगर मैंने प्रैक्टिकली बैंक से ली होती तो बैंक ने कितने पैसे चार्ज किए होते तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बैंक बोलती कि भैया मैं तुझसे तो तीन साल के तीन रुपए चार्ज करूंगा अज्यूमिंग जीरो परसेंट डिस्काउंट इम्पैक्टर है यानी एक साल एक रुपए का वो चार्ज कर रहा है तो बैंक क्या करेगा आज तीन रुपए रिकवर कर लेगा अगर अपफ्रंट तो इनकम एक रुपए बुक करेगा दो रुपए लाइबिलिटी दिखाएगा फिर एक रुपए इनकम एक रुपए लाइबिलिटी एज एन एडवांस रिसीव मानेंगे तो इसी लॉजिक से अब हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बैंक से गारंटी लेता तो मुझे कितने रुपए बैंक को देना पड़ते होल्डिंग ने गारंटी दी है तो उतने पैसे बच गए फिर भी मैं मानूंगा कि ये होल्डिंग का रेवेन्यू प्रैक्टिकली होना चाहिए अब इसमें हमको क्वेश्चन में क्या दिया है

तो इतने की फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू आना चाहिए नॉर्मली हम लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं तो हम इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल लॉजिक लगाते हैं कि इसमें बंदे को अस्सी हज़ार रुपये तीन साल तक देने हैं मार्केट रेट से लेता तो वन पॉइंट वन वन एक दो तीन माइनस वन डिवाइड बाई एलेवन परसेंट जिससे जी टी आ जाता है टू पॉइंट फोर फोर थ्री सेवन इंटू अस्सी हज़ार वन नाइन फाइव फोर नाइन सेवन या वन नाइन फाइव फाइव डबल ज़ीरो ये बेसिकली जो अस्सी हज़ार रुपये हर साल पे करने उसको ग्यारह परसेंट से किया मैंने प्लस एक दो तीन थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इन टू लोन दस लाख का इसमें वन नाइनटी फाइव फाइव हंड्रेड एड कर देता हूं तो नाइन टू सिक्स सिक्स नाइन जीरो से इतना पैसा मिलता तो मुझे पैसा मिल गया है दस लाख रुपये सेवन थ्री थ्री जीरो एट द फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी। दूसरा तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हो 30, 30, 30, रुपीस की सेविंग दो तीन माइनस वन इंटू थर्टी थाउजेंड एग्जैक्टली तो सबसे पहले आपको फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन पे इंस्टीट्यूट ने जैसे सॉल्व किया अगर सेम अपन फॉर्मैट रखे तो वर्किंग नोट वन फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी ऑन एक चार दो हजार एक उन्होंने कैसे निकाली है तो कैश फ्लोज उन्होंने बोले हैं कि कैश फ्लो की सेविंग्स हमारी कितनी हुई है हर साल थर्टी 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 डिस्काउंटिंग फैक्टर एट मार्केट रेट ऑफ एलेवन परसेंट तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज दिस कम्स टू सेवन थ्री थ्री वन वन जीरो जो भी है। तो इनिशियल रिकग्निशन पे ये हो गया तो इनिशियल रिकग्निशन पे जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए तो नॉर्मली अपन ने ऐसे क्वेश्चन पड़े हैं कि सब्सिडरी को अगर कंसेशनल रेट पे बैंक uh, सॉरी होल्डिंग लोन देती है तो सौ रुपये का लोन दिया और वो कंसेशनल रेट पे दिया दस परसेंट पे दे दिया मार्केट रेट पंद्रह परसेंट था तो टेक्निकली अगर कोई मुझे आज से एक साल बाद एक सौ दस रुपए देता है तो मैं पंद्रह परसेंट डिस्काउंट करके आज से उसको सिक्स <coughs> रुपीज ही देता तो फेयर वैल्यू इस लोन की नाइन्टी सिक्स से मैंने सौ दी है तो चार जो मैंने सब्सिडरी को बेनिफिट पहुँचाया है वो मैं क्या मानता हूँ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी तो उस लॉजिक से इनिशियल रिक्शन पे वुड है राउंडिंग ऑफ का कुछ फर्क हो इंस्टीट्यूट में ऐसा हो सकता है कि राउंडिंग ऑफ करिए और थोड़े से फिगर्स कुछ डिफरेंट लिए <coughs> <चलिया. coughs> तो इनिशियल रिकॉग्शन यानी वन फोर टू थाउजेंड वन हो गया प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग नोट वन बना दिया वर्किंग नोट टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू पे इसकी क्या अकाउंटिंग होगी फाइनेंशियल गारंटी विल बी मेजोर्ड एट हायर ऑफ अनोमोटाइज रेवेन्यू और फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी तो क्वेश्चन में आगे दिया गया थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू पे देर इज वन परसेंट प्रोबाबिलिटी दट इट मे डिफॉल्ट इन द नेक्स्ट मंथ्स इफ इट यू डू नॉट एक्सपेक्ट टू रिकवर एनीथिंग तो फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी कैसे निकाली जाती है द एक्सपोजर अमाउंट इंटू द लॉस गिवन डिफॉल्ट रेट इंटू द प्रोबेबिलिटी फॉर डिफॉल्ट माई एक्सपोजर अमाउंट इज टेन लाख लॉस गिवन डिफॉल्ट इज हंड्रेड परसेंट प्रोबाबिलिटी फॉर डिफॉल्ट इज इज वन परसेंट तो ये टेन थाउजेंड होगा फाइनेंशियल गारंटी का रेवेन्यू कितना आना चाहिए तो टेक्निकली आप चाहो तो इसको सिंपली ऐसे कर सकते हो तीस हजार इंटू इयर्स। इतने पे लाइबिलिटी अभी भी आनी चाहिए तो वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन वन एक दो फाइव वन थ्री सेवन फाइव तो हायर हो जाएगा फाइव वन थ्री सेवन फाइव तो मुझे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू क्या करना होगा फिनेंशियल गारंटी टू पी आर एल इतनी गारंटी की इनकम एक तरह से बुक कर ली सेवन थ्री थ्री वन वन माइनस फाइव वन थ्री सेवन फाइव हो सकता है थोड़े राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस हो अगर आप डिफरेंसेस से बचना चाहते हैं तो आप देख लीजिए इंस्टीट्यूट ने क्या लिया है <coughs> सेवन डबल थ्री टू जीरो एग्जाम में बड़ी दिक्कत दे सकता है कि हमारा उनका आंसर मैच नहीं होगा तो क्या होगा बट ठीक है सेवन डबल थ्री टू जीरो माइनस फाइव वन थ्री एट फाइव दोनों जगह दस दस रुपए ऑन टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थ्री यहां पे क्या होएगा? सबसे पहले अगेन फाइनेंशियल गारंटी वुड बी आयर ऑफ अनमोटाइज रेवेन्यू आप कितना आएगा तो so, देखो दो साल बाद अभी एक साल का रेवेन्यू बाकी है विच इज थर्टी थाउजेंड टू प्रेजेंट वैल्यू एट इलेवन परसेंट फॉर वन ईयर टू सेवन जीरो टू सेवन और फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी जिसके लिए आप क्वेश्चन देखना पड़ेगा अपने को उप्स <coughs>

तो आपको बोला एनालाइज एंड प्रोवाइड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेशियल गारंटी अलॉग विद जर्नल एंट्रीज एज पर वन जीरो नाइन तो एनालाइज वर्किंग नोट्स हो जाएगा जर्नल एंट्रीज आप सिस्टमेटिकली विद नरेशन दे देना और इनिशियल रिकग्गनीशन और दो हजार तीन तक देना दो हजार चार में ऐसे भी गारंटी जीरो हो जाएगी तो जो भी बचाओ अमाउंट हो पी आर एल में डाल देंगे अगर कोई लॉस हुआ है तो वो नेट करके नहीं तो पूरा पी आर एल में चला जाएगा क्योंकि लोन या तो रिपे हो जाएगा तीन साल लैंड में या फिर हमें पे करना पड़ेगा चलिए लास्ट क्वेश्चन

Of है, तो उसका डिप्रीसिएशन इफेक्ट देने के बाद आपके प्रॉफिट एडजस्ट करके आप ऐड करेंगे। ग्रीन अर्न फोर्टी थाउजेंड एंड ओसीआई ड्यूरिंग द ईयर तो इसमें हमें एडिशनल डिप्री एडजस्ट करना है आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व ऑन डेट ऑफ एक्विजन बताना है ब्लू का शेयर इन प्रॉफिट और ओ सी आई फॉर द ईयर और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इवस्ट बता है तो डेट ऑफ एक्विजिशन विच इज वन फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वॉट एवर इट इज यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट के लिए एक लाख पच्चीस हजार था आपका शेयर इन नेट आइडेंटिफाइबल चार लाख थी आपकी गुडविल पच्चीस हजार आ जाएगी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया प्रॉफिट्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड कितने माने जाएंगे तो इसके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं चालीस हजार हैं और उसी अयोध्या से हजार हैं इसमें एक लाख रुपए से आपकी एक सेट बढ़ी हुई है जिसकी बीस साल की लाइफ है तो उस लॉजिक से पांच हजार रुपए का उस पे एडिशनल डेप्री है तो ये लगाते तो इसके प्रॉफिट थर्टी फाइव होते इसमें ब्लू लिमिटेड का शेयर ट्वेंटी फाइव परसेंट एट सेवन फाइव जीरो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखेगा तो इन्वेस्टमेंट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ईयर एंड तो मेरे इन्वेस्टमेंट अपन प्रेजेंट इसको कैसे करते हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट अपन ने किया था एक पच्चीस पे विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर इन ऑफ लाख ने पच्चीस हजार प्लस शेयर इन पोस्ट एक्जिशन प्रॉफिट्स पी ऑर एल

वन uh, और एम टी पी टू ये तीनों के हमारे डिस्कशन यूट्यूब पर आ गए हैं सो दट स्टूडेंट्स ऑफ डिसंबर इवन ऑफ मे ट्वेंटी एंड दे विल बी द पोजिशन टू काल एडिशनल क्वेश्चन मेड एक्सेप्ट एम टी पी वन में सी एस आर रिलेटेड था जो इंस्टीट्यूट को अपडेट कर देना चाहिए अदरवाइज दिस इज ऑल एडिशनल प्रैक्टिस पर से थैंक यू वेरी मच एंड नी काफ़ डाउट मोर काियल विच यू रिक्वायर और नीड और एनी काइंडीशनल सेशन यू कैन काइंड ऑफ पुट इट अपन दमेंट्स अपार्ट फ्राम दैट एफ आर पावर हमने ली थी जिससे मोरललेस uh, जितने भी लोगों के पहले बैचेज हुई थी और जो गैप आया था वो हमने बहुत अच्छे से आप सब लोगों के लिए मीटअप कर दिया And a lot of our students for them, it was free, benefited out of it. A lot of other students also kind of participated in it. now. Google Drive is also available for it, and a lot of students are subscribing. However, I think December 21 Kili, you don't have time enough now for having that particular batch. However, for May 22, you can definitely consider it. Thank you very much. Tada, see you. Bye bye, and all the very best for your preparations for your exams and for your results. Tada.